दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप दिखा रहा हूँ मैं आपका, और ये वीडियो बहुत सीक्रेट है इसलिए दोस्तों मैं फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोग 20 एलईडी की सीरीज, कोई भी प्रकार की एलईडी हो उनको 20 एलईडी की सीरीज को कैसे आप चला सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 18 से लेकर के 25 एलईडी की सीरीज को कैसे रन कर सकते हैं, कुछ कैप हमारे पास न्यू आए हैं उनके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखिए हैवी राउंड मोल्ड जो होता है, राउंड हैवी मोल्ड हम लोगों ने इसका नाम रखा, ये आपके हमारे पास मिल जाएगा यानी कि हैवी है। और ये ट्री क्रिस्टल कैप जो हम लोग पास क्रिस्टल कैप होता था थोड़ा छोटा होता था, अभी हैवी वाला मंगवाया, बड़ा वाला मंगवाया। इसमें हमारे पास ब्लैक में और वाइट में दोनों होल्डर में अवेलेबल है, ये देखिए वाइट होल्डर में है और ये वाला ब्लैक होल्डर में है, ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है, बहुत भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। जितना ऑर्डर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मोल्ड जो देख रहे हैं आप ये बहुत ही हैवी होता है, इसको मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप, ये डेकोरेशन वाले जो होते हैं, जो डेकोरेशन का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मोल्ड है ये। तो इन मोल्डों को मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ हमारे पास LEDs आई हैं जो कि 8mm की डिफ्यूज LED है, 8mm की डिफ्यूज LED हमारे पास वाइट और वार्म वाइट आई है, तो ये दोनों मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर 20 LED जो सीरीज़ बनाने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग डिफ्यूज LED की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिफ्यूज LED में वाइट और वार्म वाइट दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर ये दोनों पैकेट 1000 पीस की पैकिंग में अवेलेबल है। और ये देखिए हम लोगों ने 20 LED की जो सीरीज़ बनाई थी, यहाँ पर डिफ्यूज LED का यूज़ किया है, जो अपना डिफ्यूज LED जो 4.8mm का होता है ब्लू कलर का, वो यूज़ किया। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका हम लोग पहले देखेंगे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, किस हिसाब से वर्क करेगा, उसके हिसाब से हम लोग इसमें देखते हैं कितना सप्लाई लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन सप्लाई कैसे बनेगा, कैसे तैयार करना, उसके लिए हम लोगों ने BLS इंडिया पर उसका पूरा वीडियो बनाकर डाला हुआ है। BLS इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। यानी कि वीडियो यहाँ पर हम लोग सिर्फ PF सर्किट को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको दिखाएंगे चला करके उसमें क्या क्या लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो सारा वीडियो आपको दिखेगा BLS इंडिया यूट्यूब चैनल पर। हमारा दूसरा चैनल है जो मैंने आपको बताया, हमारे मात्र दो चैनल हैं, BLS इंडिया और बाइनरी प्रोजेक्ट्स, ये दोनों चैनल पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों में लिंक एक ही होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग जो टेस्टर है, LED टेस्टर, ये वोल्टेज को शो करता है, DC वोल्टेज को शो करेगा इसके अंदर के DC वोल्टेज कितना हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कि ये चले अपना सीरीज। तो हम लोग देख लेते हैं टेस्ट करके। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसको पावर सप्लाई दे के देखते हैं कितना, 300 वोल्ट दिखाता है ये, 300 वोल्ट की इसकी कैपेसिटी है। हालांकि जब हम लोग जो भी हम लोग PF सर्किट यूज़ करते हैं, आउटपुट हम लोग देखेंगे अगर बिना कोई सर्किट लगाए, तो आप देखेंगे उसमें जो सीरीज़ नहीं लगी होती है तो 300 वोल्ट ही दिखाता है वो, क्योंकि वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और वो RMS वोल्ट होता है। RMS वोल्ट यानी DC में जब हम लोग करते हैं, RMS वैल्यू वोल्टेज में जो भी होता है उसमें √2 का इंटू हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो लगभग 300 वोल्ट के आसपास आता है DC में। ठीक है, इसको हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप 57 के लगभग आ रहा है, 57.4 वोल्ट के यहाँ पर अप्रॉक्स चाहिए हमें। ध्यान रखिए आप, पहले हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो 300 वोल्ट के लगभग इसमें टेस्टिंग के लिए दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो सीरीज है मात्र 57 वोल्ट का है। भाई इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें 57 वोल्ट यानी 58 मान लीजिए इस वोल्ट के हिसाब से हमें PF सर्किट तैयार करना पड़ेगा। जो PF सर्किट में क्या लगेगा, इसको हम लोग माइक्रो PF सर्किट बोल रहे हैं, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी, आपने नहीं देखा होगा कहीं भी, इसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, ये हमारे पास उपलब्ध है, एक्सक्लूसिव है थोड़ा सा। अगर आपको इसको मंगाना हो तो आप इसको देखिए, मैं बताता हूँ, सिंगल कलर की LED हो, मल्टी कलर की LED हो, RGB हो, किसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको करीबन 18 LED से लेकर के 25 LED तक आप इसमें वर्क करा सकते हैं। तो इसको कैसे लगाना है, वही सिंगल PF जैसे आप लगाते हैं, सिंगल PF सर्किट को वैसे ही कनेक्ट करिए, और उसके बाद में आप इसका ग्लो देखेंगे, ग्लो जो ब्राइटनेस आएगा बहुत बढ़िया ब्राइटनेस आएगा। और इसकी टेस्टिंग भी 7 दिन की हो चुकी है, 7 दिन टेस्ट करने के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो, 7 दिन टेस्ट होने के बाद ही हम लोग कुछ भी दिखाते हैं, क्योंकि 24/7 में टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद में हम लोग कुछ भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें हम लोग उसका प्रूफ देते हैं कि हाँ भाई ये वर्किंग कंडीशन में है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे लगाना है वो तो आपको मालूम ही है, ये ब्लैक कलर का जो सिलेंड्रिकल कैप आता है उसी में हम लोग इस PF को रखेंगे। सबसे बढ़िया कैप है ये, जिसमें आसानी से आ जाता है, जिसमें सिंगल PF होता है, सिंगल PF हैवी या सिंगल PF नॉर्मल, वो हम लोग इसमें रखते हैं, उसी में ये भी आएगा, सर्किट सेम ही है इसके अंदर, बस PF का खेल है। PF कौन सी वैल्यू का यूज़ करना है, PF कौन सी वैल्यू का नहीं यूज़ करना है, वो सारी बातें अगले वीडियो में जो कि हमारा BLS इंडिया पर आएगा, जो कि आ चुका है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, आपको वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पर आप देख करके आगे देख सकते हैं कैसे इसको बनाना है, कैसे इसमें मतलब क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे वर्क कर रहा, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। हम लोग इसको पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं, AC DC जैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग ये जो बना रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे, कुछ हमारी और आपकी बात हो जाए। इसमें आप देखेंगे हमने कई बार बोल देखा है, मतलब लोग हमसे बोलते हैं कि इसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। देखिए भाई
कंपटीशन हमेशा निचले स्तर पर होता है, ऊंचे स्तर पर आप हमेशा अकेले रहते हो, शिखर पर आप हमेशा अकेले रहते हो। तो इसको ध्यान रखिए, सरल काम होगा तो सभी करेंगे, लेकिन कठिन काम को कोई कोई पर्सन करते हैं, हर आदमी नहीं करता है। तो इसीलिए कठिन काम को हमेशा चुने, कठिन काम को हमेशा तवज्जो दे, वही आपको आगे बढ़ाएगा। सरलता वाले काम को तो हर कोई कर लेता है। दूसरी बात, आप लोगों ने मेरा मिशन में साथ दिया जिसमें हम लोगों ने बोल रहे थे कि भारत से चाइना को भगाना है। तो मेरे भाइयों, मेरे हिसाब से तो चाइना को आप 50% तो भगा ही चुके हैं, 50% हम लोगों ने कमान संभाल ली है हम भारतीयों ने। और आगे जाकर भी हम लोग जो भी हमारे त्यौहार होंगे उसमें जो भी डेकोरेशन का सामान होगा वो हमारे भारत से ही बना हुआ रहेगा। LED में हम लोग अभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, LED जो बन के आ रही है पूरा चाइना से आ रहा है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस तो हम लोगों ने उनका समझ लीजिए कमर तोड़ दी है। और इसके लिए आप लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, आप लोगों की सराहना करता हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ में आप लोगों ने बनाया। तो चलो, हमारी इसी बात पे ये सर्किट भी तैयार हो गई है और इसमें पावर सप्लाई लग चुकी है। इसको हम लोग चला करके देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। उसमें मैंने आपको बताया ना, पूरी तरीके से वर्क हो चुका है। भैया मुझे भी नहीं मालूम वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये अभी इस टाइम पर, क्योंकि नया सर्किट है ये। तो हम लोग लगा करके देख लेते हैं। जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम में, फर्स्ट टाइम में इसको टेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए अब ये फट भी सकता है कि नहीं फटेगा, भगवान जाने, देखते हैं क्या होता है। और ये हम लोग इसको चला करके देखते हैं जैसे चलेगा ये। अरे भाई चल गया ये तो, सक्सेस। तो इस बात में पार्टी तो बनती है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए सर्किट तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस आ रही है, आपको दिख ही रहा होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसका जो मैंने बताया आपको, इसका जो वीडियो कंटिन्यू चलेगा BLS इंडिया पर, और इसकी थोड़ी झलकियाँ मैं आपको दिखा दूँ। इस प्रकार से हमने इसको बनाना सिखाया है, कैसे क्या इसमें लगा हुआ है, सारी बातें इसमें बताई गई डिटेल से। इसका वीडियो भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं। ये चैनल पे भी वीडियो आ चुका है, बाइनरी प्रोजेक्ट पे ये वीडियो भी आ चुका है, एक्सक्लूसिव वीडियो था। इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए प्लीज़। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।